दोस्तों जब ये लड़की गाड़ी में बैठी हुई थी तभी अचानक गाड़ी में किलर जोकर आ जाता है और इस लड़की को मार देता है। तभी जब लड़की की दोस्त दारा अपने दोस्त की तरफ जा रही थी तभी इधर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब ये उस तरफ जाती है तो इसके सामने किलर जोकर आ जाता है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वह एकदम शांत खड़ा था। तो दारा यहां से भागकर इस गाड़ी के पीछे छुप जाती है। फिर जब जोकर इसे ढूंढने के लिए यहां पर आता है और जब दारा नहीं मिलती तो यहां से चला जाता है और जब दारा को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है तो दारा यहां से निकलने लगती है मगर तभी पीछे से जोकर इस पर हमला करने लगता है और इस पर कई बार हमला करता है। और तभी जब इस जोकर इसका गला घोटकर मारने वाले थे मगर तभी तारा के हाथ एक नुकीली चीज लग जाती है जिससे तारा इस पर हमला करके यहाँ से भाग निकलती है। यहाँ का दरवाजा बंद था इसलिए इधर ही छुप जाती है। तभी जोकर यहाँ पर आता है। तभी तारा कोई चीज फेंक कर इस जोकर का ध्यान भटका देती है और जोकर को दूसरी तरफ भेज देती है। तब तारा यहाँ से निकल कर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है और फिर गार्ड को हेल्प करने के लिए बुलाती है लेकिन गार्ड नहीं सुनता क्योंकि गाने सुनने में मग्न था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।